ऑस्ट्रेलिया की 6 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानते हैं जिनमें आप मुफ्त में अप्लाई कर सकते हैं। यह सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, लेकिन इसका बहुत कम जाना जाने वाला एक और प्लस पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के लिए मुफ्त एप्लीकेशन होता है। ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटीज़ 50 से 100 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी लेते हैं, हालांकि इसे बाद वापस किया जा सकता है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी पसंद के 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कम हो सकती है, पर अगर आप 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो आपको $1,000 तक का भुगतान करना पड़ सकता है। अच्छी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो इस फ़ी को माफ़ करते हैं। सबसे पहले है मेलबर्न की RMIT यूनिवर्सिटी, जो टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन और एंटरप्राइज़ में अपने रिसर्च के लिए जानी जाती है। अगर आप लैटे से संबंधित हैं तो आपसे $100 की नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ली जाती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप एडमिटेड हैं और ऑफर स्वीकार करते हैं तो इस फ़ीस को आपके ट्यूशन फ़ीस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। RMIT से हटकर यह यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया हर किसी को मुफ्त एप्लीकेशंस का मौका देती है, चाहे वे किसी भी देश से अप्लाई कर रहे हों। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने एप्लीकेशंस यूनिसा पोर्टल के जरिए जमा कर सकते हैं। यह यूनिवर्सिटी एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है जिसे क्वींसलैंड में 29वां रैंक दिया गया है। यह कई यूनिवर्सिटी अचीवमेंट्स और ग्लोबल रिकॉग्निशंस का भी दावा करती है, जैसे रिसर्च, एम्प्लॉयबिलिटी, टीचिंग फैसिलिटीज, इंटरनेशनलाइजेशन, इंक्लूसिवनेस और इनोवेशन में एक्सेलेंस के लिए 5 स्टार्स दिए गए हैं। इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करने, अब्रॉड में पढ़ाई का प्रोग्राम और इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आपको डिस्क्रिप्शन में पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्रसिद्ध नॉर्दर्न टेरिटरी में इसके 4 कैंपस हैं और इसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। चौथा है यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रडाम। यह एक प्राइवेट कैथलिक यूनिवर्सिटी है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न स्थानों पर स्थित है। इसके पास आर्ट्स और साइंसेस से लेकर फिलॉसफी और फिजियोथेरेपी तक के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स की एक पूरी लिस्ट है। यह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को करियर पाथ से ज़्यादा के लिए तैयार करने में विश्वास करती है, पर यहाँ मुफ्त में अप्लाई करने से पहले अपनी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की जाँच ज़रूर करें। पाँचवीं है गोल्ड कोस्ट की बॉन्ड यूनिवर्सिटी। यह एक्सेलरेटेड डिग्री देती है जहां स्टूडेंट्स केवल 2 सालों में अपनी बैचलर की डिग्री पूरी कर सकते हैं और अपने साथियों से 1 साल आगे निकल सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में हर डिग्री बॉन्ड को करिकुलम के तहत सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी स्किल्स के साथ एम्बेडेड है। यह स्टूडेंट्स को महत्वपूर्ण सोच, कम्युनिकेशन, कलाबोरेशन और लीडरशिप जैसे ज़रूरी ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स को डेवलप करने में मदद करता है। अंतिम में आती है न्यू साउथ वेल्स की यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग। यह स्टूडेंट्स को उनके क्यों और उनके जुनून को खोजने में मदद करती है। इंटेलेक्चुअल ओपननेस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, डाइवर्सिटी और एम्पावरमेंट जैसी वैल्यूज पर बनी है। यह समाधान खोजने और पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए कमिटेड है। यह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मुफ्त एप्लीकेशंस भी देता है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुँचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।